नैब की जानिब से नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त 8 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मुतफरिक दरख्वास्त में मरकजी दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने फवाद हसन फवाद की जानिब से दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत के रूबरू मौकफ इख्तियार किया कि हाईकोर्ट ऑफिस ने बताई गई तारीख पर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, जिस पर बेंच के सरबरा जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि अगर हाईकोर्ट ऑफिस ने ऐसा किया तो बहुत बुरा किया, इनसे पूछ लेते हैं। अदालत ने मरकजी दरख्वास्त 8 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि गिरफ्तारी खिलाफ कानून और नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 24 की खिलाफ वर्जी है। फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी से कबल कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत नैब की जानिब से फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी को कलअदम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़।